हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एंजल वन में यानी कि एंजल ब्रोकिंग जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहां से आप लोग म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में अपना निवेश कर सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एंजल वन में एक अकाउंट ओपनिंग करने का प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में अपना निवेश करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना अति आवश्यक है। तो एंजल वन में एक डीमैट अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में ओपन कैसे कर सकते हैं, उसका प्रोसेस में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। इसलिए अगर आप भी अपने पैसों को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए और एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। हालांकि इसका कुछ चार्जेस भी लगता है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है दोस्तों, अभी फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है। तो ओपन करने का तरीका आज के इस वीडियो में मैं दिखा देता हूं और फ्यूचर में बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन चेक करना है, वहां पे मैंने एक लिंक दिया, आपको वहां पे क्लिक करना है और आप डायरेक्ट यहां पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद दोस्तों आपको आपका फुल नेम, आपका मोबाइल नंबर और सिटी सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी यहां पे आपको डाल देना है और आई एग्री का जो बटन है उस पर क्लिक करना है और ओपन एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर सारा डिटेल फिल करके नेक्स्ट करेंगे, आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ भी मांगा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहां पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका पैन नंबर जो है वो डाल दीजिएगा 10 डिजिट का। उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहां पे फिर से प्रोसीड करना है, ठीक है। और इतना सब यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पे आपको और भी डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो रहा है उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि आपका यहाँ पे एनुअल जो मेंटेनेंस चार्ज है वो फर्स्ट ईयर का फ्री है और अकाउंट ओपनिंग जो है वो कंप्लीटली फ्री है, यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको कुछ और डिटेल्स यहाँ पे आपको डालने होंगे। तो देख सकते हैं आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपको डिजी लॉकर से, मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ, आप डिटेल जो है आप मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं डिजी लॉकर का यूज करने वाला हूँ, क्योंकि सारा काम यहाँ से ऑनलाइन हो जाता है। यहाँ पे आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होने से बहुत ईजी हो जाता है। आप यहाँ पे मैनुअली भी कर सकते हैं, नीचे वाला जो ऑप्शन है उसके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिजी लॉकर पे क्लिक कर देता हूँ और मैं यहाँ पे शेयर योर केवाईसी डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। तो मैं चले जाऊंगा यहाँ पे डिजी लॉकर का जो वेबसाइट है वहां पे मैं चला जाऊंगा और वहां पे सब कुछ मुझे करना होगा। देख सकते हैं हम आ चुके हैं डिजी लॉकर के वेबसाइट में। यहां पे हमें अपना आधार नंबर देने के बाद आपको यहां पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके आधार वेरीफाइड नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी यहां पे सबमिट करने के बाद आपको कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। और यहां पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। अलाउ पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। केवाईसी आपका वहां पे ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे सबमिट करना होगा एनुअल इनकम और ऑक्यूपेशन और फादर फर्स्ट नेम और फादर लास्ट नेम, यानी कि पिताजी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये सब आपको यहां पे नॉर्मली फिल करना होगा और प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको आपका जो पैन कार्ड है दोस्तों उसका इमेज ले लेना है, ठीक है, और वो अपलोड करना होगा। हो सके तो आप स्कैन भी करा सकते हैं या फिर इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद व्हाइट पेज में जो मैंने आपको बताया था कि व्हाइट पेज में एक साइन भी आपको करना पड़ेगा, वो भी आपको यहाँ पे जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन दिया है क्लाइंट सिग्नेचर का, उसमें भी आपको वो अपलोड करना होगा। और तीसरा जो बैंक स्टेटमेंट है दोस्तों, वो किसी किसी के लिए है जो कि कमोडिटी में और फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेड करना चाहता है, करेंसी में ट्रेड करना चाहता है, उसके लिए है। तो आप इसे ऑप्शनल है, इसे छोड़ भी सकते हैं, इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो करना चाहता उसके लिए होता है, ठीक है। तो आपको बिगनर है तो आप वो सब नहीं करेंगे, तो आपको सिर्फ यहाँ पे पैन कार्ड दे देना है। देख सकते हैं मैंने पैन कार्ड का जेपीजी फॉर्मेट वाला यहाँ पे अपलोड कर दिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट में करूंगा दोस्तों, और यहाँ पे जो क्लाइंट सिग्नेचर का जो ऑप्शन दिया है वहाँ पे अपलोड का जो बटन दिया है दोस्तों, उस पर क्लिक करके और मैं अपने गैलरी से जो मेरा साइन वाला जो पिक्चर है वो मैं अपलोड कर दूंगा। देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। इतना सब करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो यस आई वुड लाइक टू रिसीव व्हाट्सएप नोटिफिकेशन का बटन है, उसे आप इनेबल भी कर सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं। अदरवाइज इसे आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको नीचे जो प्रोसीड का बटन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको NSDL के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको KYC के लिए आपका आधार कार्ड का नंबर देना होगा और यहाँ पे पहले टिक लगा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वर्चुअल आईडी या फिर आधार कार्ड का नंबर देना है और सेंड OTP पे क्लिक करना है। एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा दोस्तों, और वो OTP यहाँ पे डाल दीजिएगा और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिएगा और आपका जो आधार KYC है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको 10 सेकंड का एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। नॉर्मल 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, स्टार्ट रिकॉर्डिंग
लिंक पे क्लिक करेंगे और मिनिमम आपको 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड कर देना है और आपको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज देखने को मिल जाएगा, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और 24 आवर में आपको ईमेल के जरिए सब कुछ इन्फॉर्मेशन भेज दिया जाएगा, आपका यूजर आईडी, आपका पासवर्ड और आप एंजल वन में ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं 24 आवर में। इसका डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में यानी कि मेल के जरिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका कंप्लीट हो चुका है एप्लीकेशन, 24 आवर में आपको इसका डिटेल्स आपके मेल में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग ऐसे ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल वन में। तो दोस्तों अभी मैंने आप सभी लोगों को ये बता दिया है कि एंजल वन में यानी कि एंजल ब्रोकिंग में आप अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं और इसके साथ ही दोस्तों आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी, म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक्स को बाय करके रख सकते हैं। तो ये सब काम बहुत ही आसानी से आप अब कर पाएंगे। दोस्तों शेयर मार्केट के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी दे रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैं दे देता हूं, ठीक है। वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी आपको पता चलेंगे और आपका नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा। तो वो वीडियो मेरा रिकमेंडेशन है, जाके देख लीजिएगा। आई होप आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आता है लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।